Good morning class. This is our new pathology class in which today we will study about another important topic, that is ovarian cyst, also known as polycystic ovarian syndrome or PCOD. हम आप ओवेरियन से स्टार्ट कर रहे हैं जिसको अपन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं. इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल ओवेरियन सिस्ट. पीसीओडी इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल ओवेरियन सिस्ट. ये एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें खूब सारे ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाती हैं, ओवेरियन सिस्ट बन जाती हैं. तो देखिए, आप नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी फैटी यंग गर्ल को आप देखते हैं तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करिए, क्योंकि हो सकता है उसको किसी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो. तो आप देखिए कि क्या उसका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्या उसमें फेशियल हेयर्स, एक्ने या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स देखने को मिल रहे हैं. अगर वो मैरिड है तो क्या वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है. तो अगर ऐसी कंडीशंस देखने को मिल रही है तो हो सकता है वो PCOS की पेशेंट हो. अब PCOS क्या है? 1935 में स्टीन और लेवेंथन ने बताया कि PCOS एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें एमेनोरिया, हिर्सुटिज्म और ओबेसिटी देखने को मिलती है, और साथ में पॉलीसिस्टिक ओवरी जो है वो एनलार्ज हो जाती है. सिस्ट बन जाती है ओवरी में और वो एनलार्ज हो जाती है. एमेनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंसेस, हिर्सुटिज्म फेशियल हेयर्स, ओबेसिटी मोटापा, और साथ में ओवरी में सिस्ट बन जाती है और वो एनलार्ज हो जाती है. ये हेट्रोजिनस डिसऑर्डर है जिसमें खूब ज़्यादा एंड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा होता है ओवरी के द्वारा, जिससे कि वो रिप्रोडक्टिव, एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक फंक्शन में इंटरफेयर करता है. तो ना रिप्रोडक्टिव फंक्शन प्रॉपर चलता है, ना एंडोक्राइन फंक्शन, और ना मेटाबॉलिक फंक्शन में प्रॉपर चलता है. अब इसको हम समझते हैं कि इसमें एमेनोरिया, हिर्सुटिज्म और ओबेसिटी देखने को मिलती है. अब PCOS में ये तीन फॉलोइंग क्राइटेरिया इसमें प्रेजेंट होते हैं. एक तो पॉलीसिस्टिक ओवरी जिसमें 12 या उससे भी ज़्यादा पेरिफेरल फॉलिकल्स आपको जो 2 से 9 मिलीमीटर डायमीटर के होते हैं वो पाए जाते हैं, जो कि ओवेरियन वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं 10 सेंटीमीटर क्यूब से भी ज़्यादा बड़ा कर देते हैं. तो एक तो पहला पॉलीसिस्टिक ओवरी देखने को मिलेगी. दूसरा ओलिगो या एनओव्यूलेशन, के ओव्यूल ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, ओव्यूल रिलीज ही नहीं होता, ऐसा देखने को मिलेगा. क्योंकि वो जो खूब सारे सिस्ट बन जाते हैं उसमें कोई फिर फॉलिकल, ये जो सिस्ट है वो क्या है, फॉलिकल्स ही हैं. तो फॉलिकल्स मैच्योर नहीं हो पाते, मैच्योर नहीं होंगे तो उसमें से ओव्यूल रिलीज ही नहीं होएगा. और तीसरा हाइपर एंड्रोजेनिज्म का साइन देखने को मिलेगा, मतलब मेल सेक्स हॉर्मोन्स इनमें ज़्यादा हो जाते हैं. ऐसी फीमेल्स में मेल सेक्स हॉर्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं. अब रॉटरडम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखिए, भाई पॉलीसिस्टिक ओवरी को आप देखिए तो सिस्ट दिखाई देगा ओवरी के अंदर आपको क्लियरली. एनोव्यूलेशन, ओव्यूल पास नहीं होता, और एक्सेस एंड्रोजन, एंड्रोजन इन फीमेल्स में ज़्यादा हो जाता है. तो इससे अपन पहला तो डायग्नोस कर सकते हैं इन सिम्टम्स के द्वारा. अब इंसिडेंस, चिंता की क्या बात है इसमें? तो भाई देखिए, ये कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जो कि 5 से 10% वेमेन में रिप्रोडक्टिव एज में देखने को मिलता है, यानी 15 से 45 साल की उम्र में देखने को मिलता है. आजकल इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, स्ट्रेस की कंडीशंस बढ़ गई है, इसलिए इस PCOS की कंडीशन भी बढ़ जाती है. ये मोस्ट फ्रिक्वेंट यानी 20% कॉज होता है फीमेल में इनफर्टिलिटी का भी. ये स्ट्रांगली इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, और इससे डायबिटीज़ का, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर और हाइपरटेंशन का रिस्क भी बढ़ जाता है. इसके कॉजेज़ अगर हम देखें, मैं आपको बताऊं तो एबनॉर्मल एंजाइम की एक्टिविटी से एक्सेस एंड्रोजन सिक्रीशन होने लग जाता है ओवरी से और एड्रिनल ग्लैंड से, तो ये बहुत बड़ा कारण बनता है. और इसके अलावा दूसरा एंडोक्राइन एबनॉर्मैलिटीज़ भी जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ यानी PCOD के सभी साइन सिम्टम्स दिखाते हैं, जैसे एमेनोरिया, पॉलीसिस्टिक ओवरी और अल्ट्रासाउंड हाइपर एंड्रोजेनिज्म वगैरह देखने को मिलते हैं. तो कॉजेज हालांकि एग्जैक्ट हमें नहीं पता, पर लाइफस्टाइल, डाइट और स्ट्रेस सबसे बड़े कॉज होते हैं इसके. इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर में CVYP21 जीन का अगर म्यूटेशन हो जाता है, इसके अलावा ये फैमिली में रन करता है, अगर किसी को है, एक को है तो फिर ये आगे जाता जाएगा. ओबेसिटी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाइपर इंसुलिनीमिया का बहुत बड़ा कारण बनता है, और ये PCOD के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो यहाँ देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड से LH का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, FSH का सिक्रीशन कम होता है. LH थीका सेल को,
अफेक्ट करता है, और FSH जो है वो ग्रैन्यूलोसा सेल को, थीका सेल एंड्रोजन एक्सेस करवाएगा, हिर्सुटिज्म इससे कॉज हो जाता है, जबकि ग्रैन्यूलोसा सेल से फॉलिकल अरेस्ट हो जाता है और एन ओव्यूलेशन की कंडीशन आती है जो इनफर्टिलिटी कॉज करेगी। ओबेसिटी में इंसुलिन एक्सेस हो जाता है जिससे कि पिट्यूटरी से ये सारे रिलीज देखने मिलते हैं, और इंसुलिन रेजिस्टेंस से जो है वो FSH का ये असर पड़ रहा होता है जो आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है। पैथोफिजियोलॉजी, सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है जिससे कि हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाएगा, 50-70% केसेस में देखने को मिल रहा होता है, ये सेंट्रल की पॉइंट होता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस एबनॉर्मेलिटी भी देखने को मिलती है, एन ओव्यूलेशन हो जाता है और एंड्रोजन एक्सेस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में इंसुलिन पैनक्रिया से ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है जिससे कि इसका रिलीज़ बढ़ रहा है, ब्लड के अंदर चला जाएगा, ये लीवर में चला जाता है, लीवर में जाएगा तो ये सेक्स हार्मोन से ग्लोबुलिन प्रोडक्शन बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोडक्शन डिक्रीज, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोडक्शन, यानी ये मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस हो रहा है जिससे कि एंड्रोजन बढ़ जाएगा और ये ओवरी को एबनॉर्मल कर देगा जिससे उसमें सिस्ट बन जाती हैं। इसी तरह से जो ब्लड में इंसुलिन रिलीज हुआ था वो पिट्यूटरी पर असर दिखाएगा जिससे कि नॉर्मल या डिक्रीज FSH हो जाएगा, LH बढ़ जाएगा, और ये दोनों क्या करेंगे, ओवरी पर भी असर दिखाएंगे और एंड्रोजन को भी इंक्रीज करेंगे, और एस्ट्रोजन का इंक्रीज बढ़ जाएगा जिससे और पिट्यूटरी को स्टिमुलेशन मिलेगा। इसके अलावा स्केलेटल मसल के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लग जाता है जिससे कि हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया लीवर पे असर दिखाएगा और फ्री फैटी एसिड्स का रिलीज करेगा, प्लस हाइपरग्लाइसीमिया इंसुलिन के रिलीज को भी बढ़ा देगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करवा रहा है, और ये जो फैटी एसिड रिलीज हो रहे होते हैं वो भी फ्री फैटी एसिड्स ज़्यादा रिलीज होने से साइटोकाइनेस PA1 पर असर पड़ेगा और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा। जेनेटिक फैक्टर डायरेक्टली भी ओवरी पे असर दिखा सकता है या हो सकता है सीधा इंसुलिन रेजिस्टेंस पे असर दिखाए। तो ये पैथोफिजियोलॉजी है। अब एक्चुअली क्या होता है, तो सिम्टम्स में ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन में या तो एमिनोरिया हो जाएगा या ओलिगोमेनोरिया हो जाएगा, यानी ओलिगोमेनोरिया डिक्रीज मेंसेस और एमिनोरिया एब्सेंस ऑफ मेंसेस, 87% केसेस में ये सिम्टम देखने को मिलता है। दूसरा यूट्राइन ब्लीडिंग इरेगुलर हो जाती है, 26% केसेस में ऐसा होता है, इनफर्टिलिटी 20% केसेस में देखने को मिलती है। दूसरा एंड्रोजन एक्सेस के सिम्टम्स में हिर्सुटिज्म हो जाता है, एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है और एलोपेशिया या बाल्डनेस, एलोपेशिया मतलब हेयर लॉस, हिर्सुटिज्म फेशियल हेयर्स इंक्रीज होना, और एक्ने जो पिंपल्स थोड़े से एक्यूट स्टेज में आ जाते हैं, बड़े बड़े फुंसियाँ सी देखने मिलती है चेहरे पर। इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स में क्या आता है, एकेंथोसिस नाइग्री कैंस और ओबेसिटी देखने को मिलती है। तो ये अलग अलग मेन सिम्टम थे, ओवुलेटरी डिसफंक्शन, एंड्रोजन एक्सेस और इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इनकी वजह से क्या सिम्टम दिखाई देंगे वो इसके अंदर अपन ने पढ़े। ये तीनों सिम्टम्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्ने, बाल्डनेस और हिर्सुटिज्म। एकेंथोसिस नाइग्रीकैंस देखिए क्या होता है, ये थिक पिगमेंटेड स्किन होती है जो कि गर्दन के आसपास इनर थाइज में एक्जिला में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से देखने को मिलती है, ये PCOD को दर्शाती है। लॉन्ग टर्म रिस्क में डायबिटीज़ की वजह से ऐसा हो सकता है, या डायबिटीज़ की वजह से कॉज हो जाती है हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडेमिया, लिपिड के डिसऑर्डर है ये, एंडोमेट्रियल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस और ओवेरियन फेलियर सर्जरी के बाद में देखने को मिल सकता है। अब हम समराइज कर लें तो जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल की वजह से हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, ओबेसिटी भी इस हार्मोनल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जिससे कि एंड्रोजन और इंसुलिन बढ़ जाते हैं, एंड्रोजन के बढ़ने से हिर्सुटिज्म और एक्ने की प्रॉब्लम होती है, जबकि इंसुलिन बढ़ जाने की वजह से डायबिटीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ जाते हैं। इंसुलिन एंड्रोजन दोनों की वजह से ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर नहीं हो पाते जिससे एन ओव्यूलेशन होगा और एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ जाएगा जिससे कि मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस और सब फर्टिलिटी देखने को मिलती है, और ये तीनों चीज़ें मिला करके साइको सोशल इशू बना देती है उस फीमेल के लिए कि उसकी बॉडी इमेज, उसका सेल्फ एस्टीम, ये सब कुछ खो जाता है, उसमें डिप्रेशन आ जाता है और वो एंग्जाइटी की शिकार हो जाती है।
पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसको डायग्नोस करना और ट्रीट करना इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अल्ट्रासाउंड से अपन इसको डायग्नोस कर सकते हैं, सिंपल और हेल्दी डाइट लेकर के हम इसको ठीक भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज लाइफस्टाइल चेंज करके हम इसको काफ़ी ओवरकम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। ट्रीटमेंट में भाई ओबेसिटी को, ओव्यूल के प्रोडक्शन को, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग को, रिकरेंट अबॉर्शन को, हिर्सुटिज्म वगैरह को ठीक किया जा सकता है। ओबेसिटी में डाइट, एक्सरसाइज, एंटी ओबेसिटी ड्रग्स लेकर के और कॉस्मेटिक सर्जरी से आप ठीक कर सकते हो। बाकी आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, ट्रीटमेंट यहाँ दिया हुआ है क्योंकि हमारे पैथोलॉजी में ट्रीटमेंट का वैसे भी कोई रोल नहीं होता, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। तो बस फीमेल्स को हर बात पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लाइफस्टाइल चेंज करके आप ट्रीटमेंट ले सकते हो क्योंकि आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल आपकी, आपकी फैमिली के लिए, इवन पूरे वर्ल्ड के लिए। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।